दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सेब की खेती बस कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में होता है? जी ना दोस्तों, सेब का खेत और कई स्थानों में पाई जाती है, उन्हीं में से एक है बोमडिला। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको एक और वीडियो के साथ टूरंगिया चैनल पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक रहस्यमय सफर पर, जो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के अनजाने रहस्य की हिमालय राज्य का एक छोटा सा शहर हमें अपनी मगनी में ले जाएगा, जहाँ हर एक कोने में एक नई कहानी बसी है। बोमडिला 2217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भालुकपुंग से 109 किलोमीटर दूर और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। यह जगह आकार उत्सव, मिजी, मोनपा, सेदुपेंग और खवास जैसे जनजातियों द्वारा बसाई गई है। शिल्प केंद्र, मठ और आदि देखने लायक। बोमडिला से विभिन्न बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों को भी देखा जा सकता है, जिसमें कांगटो और गोरीचंद चोटियां शामिल है, जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। बर्फ से ढकी हिमालयी श्रृंखला और जीवन शैली का दावा करने के लिए, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न शिल्प का प्रदर्शन करने के लिए बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। उन लोगों के लिए जो बोमडिला की आकर्षक संस्कृति और परंपराओं के साथ एक अद्वितीय सांस्कृतिक मिलन के लिए तैयार है, उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि उन्हें उत्सव के समय यहाँ अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए, जब पूरा शहर आनंद लेने में व्यस्त है। लोसर, जो बौद्ध नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और आमतौर पर फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में मनाया जाता है। सेब के बाग एशिया के सबसे बड़े ऑर्किडेरियम में से एक बोमडिला में स्थित है। ये भूमि के बड़े क्षेत्र में फैले हुए है। सेब से लदे बागों में विशाल पेड़ पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण है। सर्दियों में बोमडिला का दौरा करना आपकी आंखों के लिए एक दावत है, क्योंकि सेब के बगीचे उत्पादन में अपनी इष्टतम सर्वोत्तम स्तर पर होंगे। बोमडिला मॉनेस्ट्री वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था और यह बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक सार का प्रतिनिधित्व करता है। यह वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर करीब स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के अनुसार इस स्थान को पवित्र मानते हैं। मोनेस्ट्री दक्षिण तिब्बत के सोनागोन से मोनेस्ट्री जैसा दिखता है। मठ में बौद्ध का मंदिर तीर्थयात्रियों को बड़ी संख्या में आकर्षित करता है। एक पहाड़ी पर स्थित अपर गंपा बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह बौद्ध धर्म से जुड़ी परंपराओं का प्रतीक है। इसे जेनसेन गडेन रबगियल लिंग जीआरएल मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। मोंक बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल अपर गंपा में है। यह बुद्ध का एक मंदिर और एक प्रार्थना कक्ष देखा जाता है। प्रार्थना कक्ष में दीवार लटकाना संस्कृति का प्रतिबिंब है। लोअर गोम्पा बोमडिला के केंद्र में स्थित है। लोअर गोम्पा में तिब्बती वास्तुकला का प्रभाव प्रमुख है। लोअर गोम्पा में एक विशाल आकार का प्रार्थना कक्ष है। मध्य गोम्पा बोमडिला में मुख्य बाजार के करीब स्थित है। मध्य गोम्पा सबसे पुराने गोम्पा में से एक है। ये गोम्पा चिकित्सकों के बीच लोकप्रिय है, क्योंकि गोम्पा में ब्लू मेडिसिन बौद्ध चिकित्सक द्वारा केंद्रित है, क्योंकि ये प्रार्थना और ध्यान करते हैं। क्राफ्ट सेंटर और निवंश विज्ञान संग्रहालय ठीक वही जगह है, जहां आपको बोमडिला की संस्कृति और जीवन शैली के सार का अनुभव करने की आवश्यकता है। हाथ से बुने हुए कारपेट, पारंपरिक मुखटे और दीवार हैंगिंग को विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। ड्रैगन डिजाइन वाले कारपेट यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। यह वो जगह भी है जहाँ से आप स्मृति चिन्ह के रूप में अपने साथ वापस ले जाने के लिए शिल्प आइटम खरीद सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों को बोमडिला व्यू पॉइंट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ से दृश्य शानदार है। यहाँ का उच्चतम बिंदु नेचुपा पास सहित आसपास के परिदृश्य के लुभावनी दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ से देखने पर पश्चिम कामेंग घाटी आपकी आंखों के सामने फैल जाती है। आरआर हिल बोमडिला का उच्चतम बिंदु होने के नाते एक और महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। बोमडिला की विशेषता के प्राकृतिक परिदृश्य के अलावा आप तवांग और भूटान की सीमा तक जाने वाली सड़कों को भी देख सकते हैं। इस क्षेत्र में हरे भरे जंगल, आकर्षक फलों के बाग और कई सुंदर पगडंडियों सभी प्रकृति प्रेमियों और रोमांस प्रेमियों के लिए एक शानदार समय प्रदान करती है। यहाँ आने पर इत्मीनान से पहाड़ी रास्तों के चारों ओर घूमते हुए प्रकृति के दृश्य का आनंद ले, फलों के खेतों से ताजा और रसदार सेब चुनने जाए, कहने की जरूरत नहीं है। बोमडिला में बिताया गया प्रत्येक क्षण अपनी तरह का एक अनुभव होगा, जो हमेशा के लिए संजने वाली याद रहेगी। बौद्ध और तिब्बती संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित बोमडिला उत्साही मानव विज्ञानी और समाज शास्त्रियों के लिए भी एक महान गंतव्य के रूप में है, जो हमेशा कुछ अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभवों की तलाश में रहते हैं। वास्तव में उत्तर पूर्व भारत के दूर दराज के कोनों में स्थित एक सुंदर अद्भुत भूमि बोमडिला की यात्रा कभी भी शानदार से कम नहीं होती है, और निश्चित रूप से हर किसी को अपने जीवन के माध्यम से संजने के लिए कुछ अविस्मरणीय यादों के साथ छोड़ देती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।